नमस्कार दोस्तों, सेंट सोल्जर टाइम्स से मैं हूं कोमल और मैं पहुंच चुकी हूं सेंट सोल्जर मैनेजमेंट एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में। यहां पे आज पूजा मैम ने एक दिन की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है जिसमें सिलाई के बारे में बताया जाएगा। कहते हैं कि सिलाई कढ़ाई अगर लड़की सीख जाएगी तो अपना अपने परिवार का नाम भी रोशन करेगी। तो चलिए, बहुत सारी बातों के साथ आज बात करेंगे आज की वर्कशॉप में सिलाई के बारे में, जो कि उषा मशीन है जिसमें एक नई मशीन लॉन्च की गई है जिसका नाम है बारबी। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए चलते हैं खास इस वर्कशॉप में। इसके अलावा अगर बात की जाए, जैसे मान लो कोई भी सिलिंग मशीन हम लेते हैं या प्रोडक्ट लेते हैं, तो क्या होता है कि हमको टेंशन रहती है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, कहीं खराब हो गया तो क्या होगा। तो क्या होगा कि इसके साथ 2 साल की वारंटी भी है। मान लो अगर आपकी मशीन को धागा भी तोड़ दिया ना, तो आपने टोल फ्री पर कंप्लेंट करनी। उसके लिए भी 2 डेमो क्लास दी है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर में आके सिखा के जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका खुद का डिसीजन नहीं होता मशीन लेने का, या तो आपके पेरेंट्स लेते हैं या तो घर के बड़े लेते हैं, तो वो तो यहाँ पर आ नहीं सकते मशीन देखने के लिए, ना उनके पास टाइम है। कर लो हैंडल को बाहर खींच लेना है, तो देन आपने फुट से मशीन को ऑपरेट करना है। ऑटोमेटिक जो आपका थ्रेड है वो अप एंड डाउन करेगा, ये नहीं कि एक ही जगह में फिल होगा। और सबसे अच्छी बात यह है, जब 100% फुल हो जाएगा ऑटोमेटिक स्टॉप भी हो जाएगा। ये कई बार होता है ना, धागा ज़्यादा फिलअप हो गया, बोबिन केज में फंस रहा है धागा, वो काम इसके अंदर नहीं होगा। हैंडल मैंने इसलिए बाहर निकाला, सपोज करो आपका हैंडल अंदर है, इससे क्या होगा आपकी मिल्डर भी वर्क करेगी, जिससे आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक, इसको अपनी जगह पे ले और इसके अंदर जो है इंसर्ट कर देना, आपने थ्रेड को अंदर करके इसको बंद कर दूँगा और इसको ऐसे करके अटैच कर दूँगा। ठीक है, अब थ्रेड को नीचे लेके आना है। ये एरोस बने हुए हैं, लाइक फर्स्ट एरो है, सेकेंड है, थर्ड है। आपने एरो की रिपोर्टिंग पहले फर्स्ट यहाँ से नीचे आके आपने टर्न कर लेना है, सेकंड हैंडल को अपनी तरफ घुमाओगे तो पिन ऊपर आ जाएगी, यहाँ से आपने राइट टू लेफ्ट घुमा के नीचे आ जाना है। ठीक है जी, अब इसमें ऑटोमेटिक थ्रेडिंग सिस्टम है। वो वर्क कैसे करता है, सबसे पहले नीडल को टॉप पे ले आओ, जहाँ तक ऊपर जा रही है, इस वाइट वाले को नीचे आगे नीडल के साथ अटैच कर दो, थ्रेड को एल शेप के अंदर नीडल के सामने रख दो, धागे को घुमा। अब देखो आप, ये आपके सारे डिजाइन के पैटर्न है, ये डिजाइन को सिलेक्ट करने के बाद डिजाइन सकल हो समझते हैं सभी, किसको बोलते हैं। अब ये देखो इसकी विड्थ ज्यादा है, अगर आपको लगता है इसको कम करना है तो आप इससे और ज्यादा कट कर सकते हैं। मैं पूजा, HOD ऑफ द फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, सेंट सोल्जर मैनेजमेंट एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट मिठू बस्ती। मैं सारे नौज दसना चाहती हूँ कि मैं अपने कॉलेज के विच आज वर्कशॉप करवाई है, जो कि उषा कंपनी वालों करवाई गई है, जिस विच असी अपने नवे बच्चों जिहड़ा कि साडा नवा सेमेस्टर आया है, असी उन्होंने मशीनों बारे जानकारी दी। इस तो इलावा उषा कंपनी के मैनेजर और उन्होंने एक सहकर्मी साढ़े को आए हैं, जिहड़े कि बच्चों मशीन के छोटे छोटे पार्ट्स तो लैके उन्होंने वड्डे वड्डे फायदा बारे दसूगी। नमस्कार, मेरा नाम सुधीर सिंह है, उषा इंटरनेशनल से मैं मैनेजर हूँ पंजाब में, और हम
आज इस सेंट सोल्जर कॉलेज में आए हैं अपना मशीन का इंट्रोडक्शन देने। हमारी सीविंग मशीन आती है बारबी की, जो कि न्यू मॉडल्स आए हैं सीविंग मशीन में ऑटोमेटिक जिगजैग में, माई फैब बारबी एंड वंडर प्लस। इन दोनों मशीनों के बारे में हम आज बच्चों को गाइड करेंगे, इन बच्चों को सिखाएंगे कि इस मशीनों में बाकी हमारी जो मशीनें आती हैं, जो काली मशीनें आती हैं, ब्लैक मशीन्स आती हैं, फुट मशीन्स आती हैं, उनसे क्या फ़र्क है, इनमें हम कितनी तरह के डिज़ाइंस और कितनी तरह के फंक्शंस का पे काम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें आज बच्चों को सिखा रहे हैं। और उनको क्रिएटिविटी नई नई क्या क्या करनी है, क्या क्या इसमें फुट्स मिल जाएंगे उनको, क्या कुछ उनके लिए इजी है इसमें करने का, और इसमें एम्ब्रॉयडरी कैसे होगी, स्मोकिंग कैसे होगी, ये सब चीज़ों के लिए हम उनको सिखा रहे हैं। और मैं कॉलेज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने हमें यहाँ पे आने का टाइम दिया और अपने प्रोडक्ट को और बच्चों को सिखाने का मौका दिया। फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में आज स्पेशली बच्चों को बताया गया मशीनों के बारे में, मशीनों के पार्ट्स के बारे में, कैसे हम मशीन को यूज़ कर सकते हैं। और उषा कंपनी की बात करें तो बहुत सारी मशीनें उन्होंने लॉन्च की है, जिसमें हम मशीन की बात करें अलग अलग मशीन होती है, अम्ब्रेला मशीन होती है, नॉर्मल सिलाई कढ़ाई की मशीन होती है, लेकिन बारबी की बात करें तो क्या ही फ़ीचर है, उसके बहुत खास फीचर्स के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में जानकारी दी गई और बच्चों को बहुत सारी स्किल्स भी बताई गई। बने रहिए सेंट सोल्जर टाइम्स में, कैमरामैन गगन के साथ मैं कोमल।